Hey guys, this is Rashmi and welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ a makeup look for office going girls or women. So, let's start. First, we will start with our moisturizer. और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Himalaya Nourishing Skin Cream and Himalaya Lip Balm to moisturize my lips. And after that we will start with our base makeup और उसके लिए मैं यहाँ पे use कर रही हूँ Colorbar Flawless Finish Mousse Foundation. This foundation is just amazing guys. इसे लगाने के बाद मेरी skin बहुत ही soft and silky लग रही है as it's so creamy and flawless. This foundation gives medium to full coverage with matte finishing. और यहाँ पे मैं primer का use नहीं कर रही हूँ because ये look मैं बस आपको दिखाने के लिए create कर रही हूँ. अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप वेयर करना है तो ही आप प्राइमर का यूज़ कीजिए. यहाँ पे मैं आईज पे कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ. फॉर दिस आई एम यूजिंग NYBA कंसीलर. एक्चुअली इसका शेड मुझे पता नहीं बिकॉज इसका स्टिकर निकल चुका है. इसका जो भी शेड रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. इस कंसीलर को हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे. इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कलर बार परफेक्ट मैच कॉम्पैक्ट पाउडर. इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द आई मेकअप. और पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस कलर फ्रॉम मॉर्फी आई पैलेट और उसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे. और स्प्रेड करने के लिए वी विल स्टार्ट विद द आउटर कॉर्नर फर्स्ट एंड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे फ्रॉम आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर. एंड इसके बाद वी विल टेक वन शेड डार्कर अच्छे से ब्लेंड होने के बाद डार्क ब्राउन शेड यहाँ पे यूज कर रही हूँ और इसे मैं अप्लाई करूंगी मेरे आईज के आउटर वी कॉर्नर पे. इसके बाद आई विल टेक दिस कलर फ्रॉम माई हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट और इसे मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूंगी इनर साइड से. और फिर मैं यहाँ पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. यहाँ पे अगेन मॉर्फी पैलेट में से जो तीसरा कलर हमने यूज किया था उसे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई करूंगी. एंड दैट्स इट, और आई मेकअप इज रेडी. जो एक्सेस फॉलोट यहाँ पे हुआ है उसे हम रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश. एंड फॉर कंटूरिंग पर्पस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYBA कंसीलर विद द शेड 7 और इसका नाम है राइजिंग टोस्ट इन रोजवेल. और इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइन लाइनर. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस HR मस्कारा विच इज माय मोस्ट फेवरेट मस्कारा नाउअडेज. एंड अभी मैं यूज कर रही हूँ LA18 का काजल. इससे मैं पहले मेरे अपर लैशेस के नीचे अप्लाई करूंगी. मेरी आंखें थोड़ी बड़ी दिखने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे
एक स्ट्रोक दे रही हो फ्रॉम आउटर कॉर्नर। पूरा काजल मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है सिवियाना का ब्लश पैलेट। उसी में से मैं कॉन्टर शेड लेके अपने चिक्स को थोड़ा कॉन्टर करूँगी लिटिल बिट, बिकॉज ये ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए मेकअप है तो हमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, हल्का सा मेकअप करना है। तो बस मैं शिवियाना पैलेट लेके उसमें से एक डार्कर शेड लेके अपनी चिक्स को ब्रॉन्जअप कर रही हूँ। सेम पैलेट में से ये शेड लेके मैं अपनी चिक्स को लिटिल बिट ब्लश करूँगी। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए आपको लगेंगे मैक्सिमम 10-15 मिनट्स। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड दैट्स इट। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आई सीरियसली नीड योर हेल्प टू ग्रो माई चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं या अगर ना पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, या कुछ सजेशन आपके पास है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।